नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं कार्यक्रम राजयोग के साथ, जिसमें हम राजनीति से जुड़ी चर्चाएं करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के परिपेक्ष में रीवा विधानसभा सीट की कीरो मेथड के अनुसार देखें तो चुनाव वाले दिन रीवा विधानसभा के लिए दिन के अंक बन रहे हैं 1, 5, 5, 5 और 2। राजेंद्र शुक्ला जी का नामांक 5 आ रहा है, ऐसे में दिन के अंक उन्हें सम, मित्र, मित्र, मित्र और मित्र के परिणाम देंगे, यानी इन्हें 5 में से 4.5 अंक मिल रहे हैं। वहीं कीरो मेथड के अनुसार अभय मिश्रा जी का नामांक 8 है, उनके लिए दिन के अंक शत्रु सम, सम, सम और सम के परिणाम दे रहे हैं, यानी दिन के अंक अभय मिश्रा जी को 5 में से केवल 1 अंक दे रहे हैं। यानी कीरो मेथड के अनुसार राजेंद्र शुक्ला जी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। सेफेरियल से भी चेक कर लेते हैं, सीट बड़ी है इसलिए उसके अनुसार भी देख लेते हैं। तो उसके अनुसार देखें तो शुक्ला जी का नामांक 3 होता है और दिन के अंक बनते हैं 1, 5, 5, 3 और 2। इस मेथड से शुक्ला जी के लिए दिन के अंक मित्र, सम, सम, मित्र और सम की वैल्यू दे रहे हैं। वहीं अभय मिश्रा जी का नामांक 9 आ रहा है और दिन के अंक इन्हें भी मित्र, सम, 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 सम के परिणाम दे रहे हैं। इस तरह देखें तो दोनों को 3.5 और 3.5 अंक मिल रहे हैं, अतः मामला बराबरी पर नजर आ रहा है। अब पाइथागोरियन मेथड से भी चेक करके देखते हैं तो उसके अनुसार राजेंद्र शुक्ला जी का नामांक 7 है और अभय मिश्रा जी का नामांक 1 है। दिन के अंक बन रहे हैं 1, 5, 5, 2 और 2। उसके अनुसार राजेंद्र शुक्ला जी को दिन के अंक शत्रु, सम, सम, शत्रु और शत्रु के परिणाम दे रहे हैं, यानी इन्हें 5 में से -2 अंक मिल रहे हैं। अभय मिश्रा जी के लिए दिन के अंक मित्र, मित्र, मित्र और मित्र के परिणाम दे रहे हैं, यानी सारे मित्र हैं, यानी इन्हें 5 में से 5 अंक मिल रहे हैं। और इस तरह देखें तो एक मेथड से यानी कि कीरो से राजेंद्र शुक्ला जी आगे हैं, दूसरे में दोनों बराबरी पर हैं और तीसरे में अभय मिश्रा जी आगे हैं। और इस तरह से आगे दिख रहे हैं कि अगर पाइथागोरियन मेथड की चली तो मामला ऐतिहासिक हो सकता है, यानी देखा जाए तो मामला पेचीदा हो गया है, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब ओखल में सिर दे दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो आइए ज्योतिष की ओर चलते हैं। ज्योतिष के साथ जाएं तो राजेंद्र शुक्ला जी की जो नामाक्षर वाली राशि आ रही है वो तुला आ रही है, उसके अनुसार चुनाव वाले दिन चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेगा और गोचर की यह स्थिति अच्छी मानी गई है। चुनाव परिणाम वाले दिन की बात करें तो उस दिन चंद्रमा इनके चतुर्थ भाव में होगा, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है, तनाव देने वाली, चिंता देने वाली स्थिति कही गई है गोचर में। हालांकि हम ज़्यादा महत्व मतदान वाले दिन को देते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि हकीकत में शुक्ला जी की स्थिति को जितना कमज़ोर कहा जा रहा है शायद ज्योतिष के नज़रिए से वह उतने कमज़ोर नहीं लग रहे हैं। अभय मिश्रा जी की बात की जाए तो चुनाव वाले दिन चंद्रमा का जो गोचर है वो उनके चतुर्थ भाव में रहेगा, यानी चुनाव वाले दिन जिस दिन मतदान होगा उस दिन वो टेंशन में रह सकते हैं, यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। जबकि चुनाव परिणाम वाले दिन चंद्रमा इनके दशम भाव में गोचर करेगा। हालांकि ये अच्छी स्थिति है लेकिन देखा जाए तो ज्योतिष के मामले में ये मामला एक समान सा है, स्थिति बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है। दोनों का एक पक्ष अच्छा है तो एक पक्ष खराब है। अब एक का पहला पक्ष दूसरे का दूसरा पक्ष बिल्कुल एंटी है और एंटी वाले में ही सिमिलरिटी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब मतदान और परिणाम दोनों में से किसी एक दिन को अधिक महत्व हमें देना हो ज्योतिष के नज़रिए से, अंक ज्योतिष के नज़रिए से, तो ऐसे में हम मतदान वाले दिन को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि इसी दिन जो कुछ होना है होता है, परिणाम तो बाद में आते रहते हैं। गौर कीजिए कि मतदान वाले दिन राजेंद्र शुक्ला जी की जो कुंडली में चंद्रमा का जो गोचर है वह दशम में है, जबकि अभय मिश्रा जी के चतुर्थ में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। यानी ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि येन केन प्रकारेण मतदान वाले दिन शुक्ला जी माहौल को अपने फेवर में कर सकते हैं, ऐसा ग्रह गोचरों का इशारा है। और जब मतदान फेवर में आ ही जाएगा तो रिजल्ट भी फेवर में आ सकता है। हाँ, यह बात जरूर है कि परिणाम वाले दिन गोचर की प्रतिकूलता कुछ ऐसा कर सकती है, ऐसा करा सकती है कि उन्होंने जिन जिन को टिकट दिलवाई है उनमें से कुछ कामयाब ना हो पाएँ या जैसी उम्मीद उन्होंने कर रखी है वैसे परिणाम ना आए।
तो कुल मिलाकर हम यह कहना चाह रहे हैं कि इस सीट पर कांग्रेस को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अन्य दलों के कार्यकर्तागण मेहनत करें, मेहनत में और तेज़ी लाएं और परिणाम को अपने फेवर में करने का प्रयास करें, क्योंकि जो कर्मठ व्यक्ति होता है वो भाग्य को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, भाग्य को फेवर में कर लेता है। आप भी करें, इस परिणाम के साथ बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिणाम तो 11 दिसंबर को आने हैं। आपको बता दें कि यह मात्र और मात्र एक अनुमान है। जिस प्रकार आप लोग अपनी समझ और जानकारी के अनुसार अनुमान लगाते हैं, उसी तरह हमने भी अपनी जानकारी यानी कि ज्योतिष और अंक ज्योतिष के अनुसार अनुमान लगाया है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी के वोट बैंक को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि मात्र मनोरंजन है। असली रिजल्ट 11 दिसंबर को आएगा, उसका इंतजार करिए। और हाँ, वोट डालने जरूर जाइएगा। वोट न डालना देश का अहित करने के समान है, इसलिए वोट जरूर डालें। बिना मोह लोभ के अच्छे कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशी को वोट दीजिए। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक व शेयर कर सकते हैं। अगर हमसे ज्योतिष या अंक ज्योतिष संबंधी सलाह चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके फीस संबंधी जानकारी लेकर के उसे यानी कि फीस को जमा करा करके दिए गए नंबर पर फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।